Why would you do that? We're in the endgame now. एक बात जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती वो ये है कि अवतार मूवी के अंदर ऐसा है क्या जो कि एवेंजर एंडगेम उसको बीट नहीं कर पा रही है। हालांकि अवतार 2009 में आई थी और 2019 में हमें एवेंजर एंडगेम देखने को मिली, तो ऑब्वियसली वो पास कर जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं एवेंजर एंडगेम की सेल्स थोड़ी सी डाउन जा रही है और इसी वजह से केविन फाइगी ने रूसो ब्रदर्स ने और मार्वल स्टूडियोज एक ऐसा फैसला ले रहा है जो कि सारे के सारे फैंस को अमेज कर चुका है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर एंडगेम के री रिलीज के बारे में। तो आज गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एवेंजर एंडगेम के री रिलीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें जो कि एवेंजर एंडगेम में हमें नहीं देखने को मिली और कुछ बोनस कंटेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद होस्ट सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। अब वैसे तो एवेंजर एंडगेम के री रिलीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट जो फैंस को चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मुझे चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और आई थिंक कि शायद हमें एवेंजर एंडगेम के रिलीज के अंदर जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, धप्पा की तरह हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि फैंस चाहते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा मेरी क्या प्रेडिक्शंस हैं और जो मुझे चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा जो केविन फाइगी ने प्रॉमिस किया है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ आयरन मैन के ज़्यादा सीन। हमने देखा कि आयरन मैन के सीन बहुत ज़्यादा थे एवेंजर एंड गेम में, बट हम तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैन हैं, आयरन मैन के फैन हैं, एंड वी वर नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ तक कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमें वो सीन नहीं दिखाया गया जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एक्टर उसकी बेटी से मिलता है, वो भी सोल वर्ल्ड में। हमें बात पता है कि एक्चुअली में ये सीन शूट किया गया था और मॉर्गन स्टार्क जो उसकी बेटी है उसके साथ में पूरा का पूरा सीन दिखाया गया था और वहाँ पर कैथरीन जो एक्ट्रेस है उनको दिखाया गया था, यानी एक बड़े रोल में फीचर किया गया था। बट कहीं ना कहीं इस सीन को उन्होंने कैंसिल कर दिया, इस सीन को उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद बड़ी टोनी स्टार्क की बेटी से, यानी मॉर्गन स्टार्क से जो बड़े लेवल की होगी उससे उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो शायद उन्होंने इसलिए उसको डिलीट कर दिया। बट मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि सारे के सारे सीन्स होने के बावजूद और सारे के सारी चीज़ें होने के बाद में टोनी स्टार्क अपनी बेटी से सोल वर्ल्ड में किस तरह से मिलता है। और जहाँ तक प्लॉट सिनॉप्सिस की माने और लीड सोर्सेज की माने तो उनका ये कहना है कि सोल वर्ल्ड में जब टोनी स्टार्क पहुँच जाता है, वहां पर पहुंचने के बाद वो मॉर्गन स्टार्क से मिलता है और उससे बोलता है सॉरी। टोनी स्टार्क उसको सॉरी बोलता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अब आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूं। और उसकी जो बेटी है मॉर्गन स्टार्क वो पूरे पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए उसके पापा का शुक्रिया अदा करती है और उसको बोलती है कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। तो बहुत ही इमोशनल सीन हो सकता है अगर टोनी स्टार्क का ये सीन हमें देखने को मिलता है एवेंजर एंडगेम के रिलीज के अंदर। एंड आई एम डेफिनेटली मेकिंग श्योर कि शायद मूवी के अंदर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने अभी तक जितने भी हमें सीन्स दिखाए हैं मूवीज के अंदर और उससे पहले जितना भी कुछ हमें बताया है, दे आर टोटली डिफरेंट। हमें मार्वल वाले कुछ बताते कुछ और है और देखने को कुछ और मिलता है। तो गाइज मैं आपको अब बताता हूँ कि एवेंजर एंड गेम के रिलीज के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। एक लीक्ड सोर्स ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि मूवी के अंदर हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जो कि रिवॉल्व करेगा हल्क के अराउंड, यानी मार्क रफलो के हल्क कैरेक्टर के अराउंड। इन्फिनिटी वॉर के सेकेंड पार्ट एंड गेम को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ गए थे और बहुत सारे हल्क के फैन तो इस बात से नाराज भी थे कि रूसो ब्रदर्स ने और केविन फाइगी ने और मार्वल स्टूडियोज ने हल्क को वो वैल्यू नहीं दी एवेंजर एंड गेम में, वो फुटेज नहीं दी और जो वो हल्क आउट देखना चाहते थे वो शायद मूवी के अंदर देखने को नहीं मिला। हालांकि ये जो लीक है इसे कह रहा है कि हमें वो वापस भी देखने को नहीं मिलेगा, बट एक ऐसा सीन जो कि मूवी के अंदर एक्चुअली में था और वो हमें नहीं दिखाया गया, वो हमें इस रिलीज के अंदर देखने को मिल सकता है। टोटल अगर सीन की बात करें तो ये सीन होने वाला है गामा रेडिएशन लैब के अंदर। हमें पता है ब्रूस बैनर जब सारे के सारे लोग उससे मिलते हैं तो बताता है कि 18 महीने मैंने एक रेडिएशन लैब में गुजारे, उसके बाद मैंने हल्क को ब्रूस बैनर ने अपने आप को जोड़ दिया जो कि प्रोफेसर हल्क बन गया। तो ये प्रोसेस कैसा था और हल्क ने ऐसा क्या किया और अपने आप को प्रोफेसर हल्क में कैसे तब्दील किया, इन सब के बारे में जानकारी हमें इन्फिनिटी वॉर के सेकेंड पार्ट एंड गेम के अंदर मिलने वाली थी, बट वो डिलीटेड सीन में वो चीज़ डिलीट हो गई और हमें नहीं देखने को मिली। बट हाँ, एवेंजर एंडगेम के रिलीज के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है और जो लीक सोर्स है उसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि मार्क रफलो का जो हल्क कैरेक्टर है उसके बारे में एमसीयू के पास में बहुत सारे प्लान हैं। अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जो ये कह रही हो कि मार्क रफलो अब दोबारा से हल्क प्ले नहीं करने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि क्रिस एवांस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने रोल छोड़ चुके हैं, लेकिन हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि मार्क रफलो ने अभी तक ये बात के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो हल्क का रोल छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर हमें हल्क शायद माइस्ट्रो या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के रूप में देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हल्क के कैरेक्टर में एक नई ऊंचाई के साथ एक नई चार चांद लगने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी जस्ट अमेजिंग।
और अगर हम बात माने टॉम हॉलैंड की, तो टॉम हॉलैंड ने इस चीज को थोड़ा सा स्पॉइल भी कर दिया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जब एवेंजर्स एंडगेम की एंडिंग को हम शूट कर रहे थे, उस वक्त मार्क रफलो का जो हल्क था उसके साथ मेरा सा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई थी, शायद वो कन्वर्सेशन भी हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर या फिर एवेंजर्स एंडगेम के नई रिलीज के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द हल्क, क्योंकि अब फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि हल्क के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा और शायद हल्क के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें बताई जाएंगी जो कि हमें एवेंजर्स एंडगेम में दिखाई जानी चाहिए थी और हल्क के फैंस को जिन्होंने नाराज कर दिया। बट हाँ, अब ये जो दोबारा रिलीज होने वाली है एंडगेम, इसमें डेफिनेटली हल्क के बारे में हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ तो मिलेगी अगर हम ये सोर्स की बात को माने, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। दूसरी लीक की अगर हम बात माने तो यहां पर हमें देखने को मिल सकता है एक कैमियो। अब ये स्पेसिफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि ये कैमियो किसके बारे में होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कैमियो होने वाला है ये किसी और का नहीं, ये स्टैनली का कैमियो होने वाला है। हालांकि हमें कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर स्टैनली का कैमियो देखने को मिला था, बट दैट वॉज नॉट गुड। और मेरे को लगता है कि एवेंजर एंड गेम को दोबारा रिलीज करने का पर्पस यही है कि शायद वो एक तरह से स्टैनली का कैमियो दिखाना चाहते हैं या फिर कोई डिलीटेड सीन या फिर कोई पुराने कैमियो को जोड़कर एक मोन्टाज बनाकर स्टैनली को एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं एवेंजर एंड गेम की रिलीज के अंदर। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एक रिपोर्ट ये भी आई थी जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट विल मेक हैप्पी एवरीबॉडी, और वो ये है कि शायद ये ट्रिब्यूट होने वाला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, यानी आयरन मैन को। अब हमें पता है कि आयरन मैन का जो मेन कैरेक्टर है वो पूरे के पूरे एमसीयू को यहां से यहां पर लेकर गया, और अगर एवेंजर एंड गेम के रिलीज के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ये कैमियो दिया जाता है या फिर एक ट्रिब्यूट दिया जाता है, तो आयरन मैन फैंस के लिए और टोटल एमसीयू फैंस के लिए बहुत ही अमेजिंग बात होने वाली है। और डेफिनेटली इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे क्योंकि दे लव आयरन मैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो हो सकता है या फिर कोई ऐसा डिलीटेड सीन हमें दिखाया जा सकता है जो कि आयरन मैन फैंस के लिए होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबली ऐसा नहीं होने वाला है। आई वॉन्ट इट टू हैपन बट इट वॉन्ट हैपन। मेरे ख्याल से स्टैनली का ट्रिब्यूट होने वाला है इस मूवी के अंदर और हमें स्टैनली के बारे में कुछ और पता चलेगा शायद, क्योंकि एवेंजर एंड गेम है जो कि मार्वल की लगभग एंड की मूवी है। इसके बाद भी बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं, बट एक बहुत ही बड़े एरा का इन्होंने अंत किया है, तो शायद उसका अंत वो स्टैनली के कैमियो से करना चाहते हैं या फिर उनके ट्रिब्यूट से करना चाहते हैं। तो शायद हमें स्टैनली का ट्रिब्यूट इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है एज अ डिलीटेड सीन। अगर हम बात करें और सीन्स की, तो इसके अलावा भी बहुत सारे सीन्स इसके अंदर बताए गए हैं कि हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा हॉकआई के सीन्स के अंदर हो सकते हैं, ब्लैक विडो के सीन्स इसके अंदर हो सकते हैं, हल्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, आयरन मैन के सीन्स के अंदर हो सकते हैं, और शायद कैप्टन अमेरिका के सीन्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। कैप्टन मार्वल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, यानी कैप्टन मार्वल के सीन इसके अंदर शायद ना ही हो। नोबडी इज हैप्पी अबाउट इट बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी कैप्टन मार्वल इन एवेंजर्स एंडगेम, इसलिए शायद रूसो ब्रदर्स ने उनका रोल जो है थोड़ा सा कम रखा था। बट आई एम श्योर कि कैप्टन मार्वल का कोई भी डिलीटेड सीन्स मूवी के अंदर नहीं होने वाला है, और टोटल 7+ मिनट की हमें फुटेज मिलने वाली है एवेंजर एंडगेम के रिलीज के अंदर। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मूवी कहाँ कहाँ रिलीज होने वाली है। थोड़े ही दिनों पहले रूसो ब्रदर्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर एंड गेम का जो रिलीज होने वाला है वो कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल इवेंट। यानी मोस्ट प्रोबेबली इस बात की अब कंफर्मेशन कहीं ना कहीं हमें मिल रही है कि शायद इंडिया के अंदर भी हमें एवेंजर एंड गेम का रिलीज देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी पॉबिलिटी बहुत ही कम है, शायद इतना पॉसिबल ना हो, शायद इंडिया के अंदर वो रिलीज ना हो, बट रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि ये चीज़ ग्लोबली होने वाली है, तो हम तो ग्लोबल में आते ही हैं ऑब्वियसली। तो नाउ वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड बी एक्साइटेड क्योंकि 7+ मिनट की फुटेज हमें मिलने वाली है, साथ ही साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का हमें नया सीन देखने को मिलने वाला है, साथ ही हल्क का एक बड़ा कैमियो देखने को मिला है, और स्टैनली को ट्रिब्यूट दिखने वाला है एवेंजर एंड गेम के रिलीज के अंदर। और हाँ, डेफिनेटली आई एम श्योर के लगभग 47 मिलियन के आसपास अभी अवतार का रिकॉर्ड बचा हुआ है, एंड वी विल ब्रेक दैट क्योंकि अवतार इज इन एंड गेम नाउ। तो ये थी गाइस वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जाननी जरूरी है एवेंजर एंड गेम के रिलीज के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर इंडिया में रिलीज होने वाली है तो अवतार की बिल्कुल भी बैंड बजने वाली है, और हम तो जाके डेफिनेटली देखने वाले ही हैं वो थोड़े थोड़े क्लिप के लिए, शायद अवतार को बीट करने के लिए वी विल डू एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं उस सचिन का मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। मैंने पुरानी वीडियो में ऑडियो जो इशू था वो मैंने नोटिस कर लिया है, आई थिंक दिस वीडियो विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ ऑडियो इशू ऑफ एको, बट मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, गेटिंग अ न्यू माइक। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं उस सचिन का मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड हैव अ ग्रेट 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 डे।